बिस्मिल्लर उरिम अंडर द चैप्टर ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ पर्सपेक्टिव। द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इन द सिंपल फॉर्म इज़ अ लेंस अ वेरी स्पेसिफिक लेंस फ्रॉम दैट लेंस एन इकोनॉमिस्ट इट व्यूज द सोसाइटी और अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो वही चीज़ें होती हैं हमारे इर्द गिर्द लेकिन इकनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो हम समझें कि एक ख़ास किस्म की एनक या लेंस है जिसके ज़रिए हम अशिया को देखें तो जो उसके हकाइक नज़र आएंगे वो जो आम देखने वाले को नज़र नहीं आते अब इसमें अगर हम देखें तो वो फ्रेमवर्क जिसके ज़रिए कि इकोनॉमिस्ट सोसाइटी के मुख्त इशूज़ को या प्रॉब्लम्स को देखता है दीज आर कॉल्ड द इकनॉमिक प्रस्पेक्टिव और ये इकोनॉमिक फिनिना की बेस पे देखेगा वही काम जो कोई और शख्स देख रहा होगा तो वो उस हवाले से नहीं देखेगा लेकिन एक इकानोमिस्ट को उसमें ये डिसाइड करना है ये इकोनॉमिक परस्पेक्टिव पे देखना है कि उसमें रिसोर्स कौन से लग रहे हैं उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है उन रिसोर्स के बेस पे कॉस्ट कैसे बनती है और उन रिसोर्स के बेस पे एंड कैसे तय होता है तो एनालाइजिंग एंड एवेलुएटिंग डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड डिसीजनस के लिए इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स का होना बहुत ज़रूरी है जो पॉलिसी मेकर्स के लिए भी और डिसीजन मेकर्स के लिए भी और यही डिसाइड करता है ट्रेड ऑफ बिटवीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड द रिसोर्स एंड डिसीजन मेकिंग अब अगर हम देखें तो इसमें हमें ये देखना है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स में जो एक डिसीजनस uh, हैं वो पहले देखा जाता है कि इकोनॉमिक डिसीजंस में जो इंडिविजुअल है वो अपना फ़ैसला कैसे करा है क्या वो रैशनल है या वो रॉन्ग डिसीजनस कर रहा है वो अपनी किस चॉइस की बेस पे कर रहा है जो हमारे इर्द गिर्द मार्किट्स हैं मंडियां हैं वो कैसे काम कर रही हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो किस तरीके से बन रही हैं क्या वो सार्फ़ की मदद के लिए बन रही हैं कंज्यूमर प्रोटेक्टेड है या वो जो सरमायादार है या इंडस्ट्रियलिस्ट है उसकी फेवर के लिए बन रही हैं और फिर ये डिसाइड करता है ट्रेड ऑफ्स को जो ट्रेड ऑफ्स हैं वो एक फ़ैसला कन मरहला है गिव एंड टेक है जिसमें कुछ लो और दो की पॉलिसी है जिसमें हमने डिसाइड करना है कि जो इंडिविजुअल्स और जो फर्म्स हैं वो दोनों आपस में किस तरीके से काम कर रहे हैं जो फर्म्स के पास इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उनकी कितनी वो तनख्वाह तय करता है उसके ज़रिए वो उसके लिए लेबर लॉज क्या बनाता है और उस साथ वो मुख्तफ़ फसिलिटीज़ जो उसको देता है और इसी बेस पे अगर हम देखें तो जो मुख्तफ़ इकनॉमिक एजेंट्स हैं उनका बिहेवियर जो है वो हमें देखना होगा क्योंकि वही लोग अगर अच्छे इन्वामेंट में हों तो अच्छी एफ़िशेंटली प्रोडक्शन दे रहे होते हैं और अगर नहीं हो तो ओवर द हिस्ट्री हम अगर देखें तो बहुत बड़े बड़े हमने मरहल देखे हैं जिनमें ट्रेड यूनियंस बनी लेबर लॉस हुए तो वो यही बिहेवियर और इस वजह से थे अब इसी इकनॉमिक परस्पेक्टिव पे अगर हम जाएँ तो ये बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो डील कर रहा होता है उसमें पांच ऑस्पेक्ट्स अगर हमारे पास आते हैं नंबर वन ये स्क्योर्सटी एंड चॉइस के इश्यूज को सबसे पहले देखेगा जिसमें हमने पहले भी डिस्कस किया है कि स्क्योरसटी रिलेट करेगी रिसोर्स के साथ और उसमें चॉइसज़ बेसिकली तय होंगी क्योंकि वही रिसोर्स किसी एक चॉइस के लिए अबंडेंट हो सकता है और किसी दूसरे के लिए स्कीयस हो सकता है और चूंकि वही रिसोर्स मुख्तफ़ हमारे एंड्स के लिए यूटिलाइज़ होगा तो हम वहाँ पे उसकी वैल्यू को असेस करेंगे तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि एक जगह की उसके ऊपर उसकी क्या क़दर है और उसमें वो कितनी पैदावार हासिल कर सकता है और अगर वो किसी दूसरी जगह पे जब इस्तेमाल हो सकता है हो सकता है वो उसमें से कम पैदावार दे तो वो पैदावार जो पहले उसके इस्तेमाल में उसके आ सकती थी वो फोरगोन या गिवन या उसके हाथ से निकल गई हुई या अल्टरनेटिव फॉर्म में वो उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट कहलाएगी और एक चीज़ यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक्स में हमेशा काउंट की जाएगी कि कोई भी चीज़ इकॉनमी में कभी भी फ्री नहीं होती अगर सारफ़ ख़ुद उसकी कीमत नहीं दे रहा तो वो एंटरप्रेन्योर जो आपको फ्री दे रहा है वो आपके बिहाफ पे चाहे सोसाइटी से ले रहा है या किसी थर्ड पार्टी से ले रहा है और वो थर्ड पार्टी आपसे किसी और फॉर्म में ले रही है और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हम अगर देखें तो ये हमारे पास जो आजकल के यूटिलाइजेशन में सॉफ़्टवेयर हैं फेसबुक है जिसको हम समझ रहे होते हैं फ्री है और लेकिन फेसबुक अपने मेंटेनेंस कॉस्ट और इस सारे का जो खर्च है वो एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए पूरा कर रही होती है और एडवर्टीज़मेंट की जो एजेंसीज हैं वो क्योंकि उन्हें सार्फ़ मिल रहा होता है वो उस हवाले से है तो इनडायरेक्टली जो है सार्फ वो पे हो रहा होता है इकनॉमिक परस्पेक्टिव कहता है कि जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उनका एक पर्पज़फुल बिहेवियर होना चाहिए और पर्पज़फुल बिहेवियर में जब हम कहते हैं तो रैशनल चॉइस मीन रैशनैलिटी है सेल्फ इंटरेस्ट हम किसी भी चीज़ को यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि एक शख्स का मोटिव ये नहीं है कि वो नुकसान उठाए वो हमेशा अपना फ़ायदा देखना चाहेगा वो ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहेगा वो ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करना चाहेगा तो जब वो कंजम्पशन की बारी आएगी तो हम कहते हैं कि इंडिविजुअल्स अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं और जब वही इंडिविजुअल्स एज ए एंटरप्रेन्योर होंगे तो हम कहते हैं कि वो अपनी पैदावार बढ़ाना चाहते हैं और पैदावार के साथ साथ वो प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं तो कई दफ़ा वही एंटरप्रेन्योर इन द फॉर्म ऑफ मोनोपली पैदावार को कम भी कर लेता है लेकिन उसका मोटिव अपना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना होता है और यहाँ पे वो अपने डिज़ायर्ड आउटकम्स के बेस पे डिसीजन करता है इकोनॉमिक परस्पेक्टिव में जो फ़ैसले हैं वो मार्जिनल एनालिसिस की बेस पे होंगे अब मार्जिनल एनालिसिस में अगर हम बात करें तो एक एंटरप्रेन्योर ने एक सरमायादार ने अगर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर ली है तो ये उसकी संग कॉस्ट है वंस उसने लगा ली तो आज की पैदावार के लिए अगर उसको ये तय करना है कि मैंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं तो वो मार्जिनल की बेस पे होगा और वो मार्जिनल होगा कि कितनी एडिशनल यूनिट्स ऑफ इनपुट या रिसोर्स लगा के उस एक इनपुट के इवज़ में उसको कितना आउटपुट हासिल होता है तो वो इस बेस पर तय करेगा कि कॉस्ट एक यूनिट लगाने से मुझे कितने यूनिट की हासिल होती है तो जिस दिन हम ये डिसाइड करते हैं कि एक यूनिट की कॉस्ट वो मार्जिनल कॉस्ट होगी और आखिरी यूनिट की जो आउटपुट है वो मार्जिनल बेनिफिट होगा तो इन दोनों के कम्बिनेशन से वो मार्जिनल एनालिसिस पे डिसाइड करेगा मार्किट्स को डिसाइड होगा इकोनॉमिक परस्पेक्टिव में और जब मार्किट्स की स्टडी की जाएगी तो मार्केट्स में हम हर कमोडिटी के बारे में जो सबसे पहले चीज़ देखेंगे उसकी कीमत क्या है वो कीमत की जो डिटर्मिनेशन है वही एक्सचेंज ऑफ गुड्स में तय होगी एक शख्स ने आपस में जब लेन देन करना होगा तो जो दो अशास हैं दे विल डिसाइड ऑन द बेस ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस एंड दीज दे आर द बेसिक सिग्नल्स दैट डिटर्मिन द टोटल आउटपुट एंड द क्वान्टिटी ऑफ एनी इकोनोमी एंड द मार्केट अब मार्केट्स के साथ साथ दूसरी चीज़ है कि हमारे इकोनॉमिक परस्पेक्टि को डील करने के लिए एक ज़रूरत और किस चीज़ की है दे आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशन्स इंस्टीट्यूशन्स मीन्स इदारे सिस्टम रूल्स तो इंस्टीट्यूशन एक्चुअली क्यों ज़रूरी हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी राइट देते हैं जिस शख्स के पास कोई प्रॉपर्टी है जिस शख्स के पास कोई दुकान है कोई तजारत है उसकी ओनरशिप तो वो है उन दो लोगों को आपस में डील करने के लिए जो रूल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसी तरीके से कुछ लाज होंगे और बहुत सारी चीज़ें इनफॉर्मली भी चलती हैं तो उसके लिए हम नॉर्म्स की बात करते हैं अब इन तमाम पर्सपेक्टिव्स को जब हम इकट्ठा करें तो हमने इसमें फर्म्स भी ले ली हमने हाउस होल्ड्स भी ले लिए हमने इकोनॉमिक एजेंट भी ले लिए हमने तो ये हम स्मॉल यूनिट्स को डील करते हुए माइक्रो इकोनॉमिक्स में हैं और जब हम इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके एक ब्रॉडर फॉर्म में इकॉनमी के लिए देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी इकॉनमी को बढ़ावा दे सकते हैं हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं हम फ्यूचर में ग्रो कैसे कर सकते हैं हम उसके मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं जिसमें इन्फ्लेशन आ सकता है जिसमें हम देखते हैं कि जो वही पैदावार करते हुए वही लेबर जो है जिसको कल रोज़गार था आज वो बेरोज़गार हो गई है और ये मसाइल को जब हम कहेंगे तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में शिफ्ट हो जाए